अभिषेक से सिन्हा ने शादी के एक महीने बाद दी है गुड न्यूज। जाहिर की बेबी को देख लोगों ने लगाया कयास। सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल की शादी को एक महीना हो चुका है। दोनों इन दिनों अपना दूसरा हनीमून एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि सोनाक्षी या जाहिर में से कौन पहले किसको प्रपोज किया था और शादी करने के लिए अनकैनी क्यों हो रही थी? दोनों की लव स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में उनके ज्यादातर फैंस जानते ही भी नहीं होंगे। हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल ने अपने इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी के बारे में खुलकर बात की है। सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल ने पिछले महीने 23 जून को अपने परिवार वालों और करीब दोस्त के मौजूदगी में कोर्ट मैरिज की थी। शादी की काफी सारी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ साल तक डेट करने के बाद दोनों ने शादी की थी। दोनों साथ में काफी खुश है, जिनका अंदाज उनके इंस्टाग्राम पोस्ट में भी लगाया जा सकता है। हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा ने इस बात का खुलासा किया है कि किसी ने किसको पहले किया था। सोनाक्षी और जाहिर ने हाल ही में गोल्डा इंडिया के साथ इंटरव्यू में अपना पर्सनल लाइफ और लव स्टोरी को लेकर खुलकर बात की है। सोनाक्षी ने बताया कि जब उनका दिल जाहिर पर आया तो उन्होंने यह ठान लिया था कि जाहिर से ही शादी करेंगी। मीडिया इंटरनेट के दौरान सोनाक्षी ने बताया कि शादी का फैसला पहले उन्होंने लिया था, लेकिन जाहिर शुरुआत में शादी के लिए तैयार नहीं थे। सोनाक्षी ने यह भी खुलासा किया था कि उन्होंने ही जाहिर को पहले प्रपोज किया था।